हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज है तारीख 20, दिन है सैटरडे फ्राइडे का और टाइम हो रहा है 12:12। मैं जा रहा हूँ अभी गाय को खाना देने, तो चलते हैं पहले गाय को खाना देके आते हैं, फिर देखते हैं उस दिन पर क्या होता है। तो मेरा साथ ही मेरे साथ ना कटे ना कटे। अभी मैं बाहर जाके आ गया हूँ, मैं इनके साथ गया था साइबर कैफे, पहले गाय को खाने डाला फिर साइबर कैफे गया। अच्छा एक बात बताओ कि 4 दिन से मुझे इसी टी शर्ट को देख रहे हो तुम? हाँ ये सच है कि मैं नहाया नहीं। अभी मैं तुम्हारे सामने जीना चढ़ा था यही वाला, तुरंत उतर रहा हूँ क्योंकि मैं इनका फोन आ गया, उसकी बाइक में उठा लाया था अभी कि मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, फोन कर दिया लेने आ जाऊँ, मैं साइबर कैफे में बैठा है। तो अब मैं वापस उसका फोन आ गया कि आई जाऊँ मेरे को ले जा, मैं जा रहा हूँ उसको लेके आता हूँ फिर जाऊंगा दोबारा छत पे पौधों में पानी डालना मेरे को। अब मैं फिर से आ गया, उसको लेके आ गया हूँ साइबर कैफे से। अब पूरा दिन घर पे हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, पहले पौधों में पानी डालूंगा। फिर आज मैं क्लीन शेव हो जाऊंगा, ठीक है? तुम बताना फिर कैसा लग रहा हूँ। वैसे तो मैं छो मुँह से लगूंगा क्लीन शो हो गया मेरे को पता है, पर क्या करूँ, सोच रहा हूँ आज कि भाभी से ब्लीच करा लेता हूँ। इधर 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 बहुत ज़्यादा टेन हो रहे हैं, तो सांस लेना था यार, 2 मिनट बाद मिलता हूँ मैं तुमसे। मैंने पौधों में पानी डाल दिया, मैं नीचे भी आ गया हूँ, तो अभी मैं फिलहाल सोच रहा हूँ कि शेविंग कर लेता हूँ क्योंकि है ना टैनिंग बहुत हो रही है फेस पे। तो भाभी कह रही थी मेरे से ब्लीच करा लो, तो मैंने सोचा ब्लीच करा लूँगा भाभी से, तो ये बहुत ज़्यादा घनी भी हो गई है, इसको शेव कर लेता हूँ मैं, क्लीन शेव हो जाऊँगा अभी। तो अभी अभी मेरा लुक देख लो और क्लीन शेव होने के बाद में तो मैं मिलूँगा, फिर एक बार मेरा लुक देख लेना कैसा आता है। वो बिल्कुल क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं सकता कैमरे पे, ऐसा लगूँगा चोमू सा। तो मिलते हैं फिर रात ना, तो मेरा साथी मेरे साथ ना, या तो मेरा साथी मेरे साथ ना, कटे ना कटे दिन रात ना, वो मेरा साथी मेरे साथ ना। तो सुन लेना तू है मेरा रफी, मानो ना मेरे कभी बात हबीब, तो दिन रात यू ही बे। अरे मैं एक बात याद आ गई मेरे को अभी अभी, मैं जब ये ऐसे ऐसे कर रहा था, तुमने वो वाला ऐड देखा है वो जो बीवी आती है, ये इसका ऐड है वो ब्लेड का, जब बीवी आती है पीछे से, सुनो मैं ये साड़ी ले लूं, तो ऐसे करते करते बोलते हैं तो यहाँ पे ये तो था पर बीवी की कमी थी यार, शिट। सुनो क्या मैं ये साड़ी ले लूं? ले लो, गलती से हूं कर देता है, वो चाहता नहीं है अंदर से कि बीवी को साड़ी दिलाए। तो हम क्या करें, तो ऐसा कुछ हो गया है, नहीं लग रहा होगा सही, मेरे को पता है बहुत बेकार लगता है ऐसे मेरे को, मुझे तो बिल्कुल नहीं जिसता है क्लीन शेव वाला लुक, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तुम लोगों को भी नहीं लगता होगा मुझे पता है, लगता होगा तो आई डोंट नो, पर बता देना एक बार कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा हूँ, बच्चा सा लग रहा हूँ थोड़ा, पर कोई नहीं आज भाभी से ब्लीच करा के ना इस पे पूरे फेस पे, फिर दोबारा बढ़ा लेंगे तो घर की खेती है, एक हफ्ते बाद फिर इतनी हो जाएगी जितनी अभी थी। तो चलो मिलते हैं फिर आगे। तो अभी हम आ गए भाई लोग बिस्तर पे और भाभी लगाएंगी ब्लीच, ठीक है? गोरे होने की थोड़ी सी वो कर रहे हैं, टेंशन ना लो, मेरा कोई रिश्ता विश्ता नहीं आ रहा है, बस मैं ऐसे एक आध दो महीने में भाभी से लगा तो अभी खाना आ गया आगे, खिचड़ी, ये मिर्ची का अचार और ये मूली और ये वही गत्ते वाली प्लेट जो जिसकी कल मैंने बताई थी, जो हमारे घर में अभी 2 दिन चलने वाली है। तो मैं खाना खा के मिलता हूँ आपसे, एक बार लुक देख लो, ब्लीच धो के आ गया हूँ मैं, गोरा गोरा सा लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा, और आंखें तो मेरे सूट सी गई है ये लगा के, जला उड़ रही है बहुत आंखों में। तो चलो मैं खाना खा के मिलता हूँ। बस अब गोरा हो जाऊंगा आज कल में, फिर डैडी के पास चला जाऊंगा, एक रसीन गोरी पकड़ लूंगा,
कोई कस्टमर आई दो मैं उसी के साथ सेटल हो जाऊंगा फिर। ओके, ये दो घंटे के एक महीने के लिए हो रहे थे क्या? क्यों एक महीने के लिए, क्यों हमेशा के लिए नहीं करेगा ये पूरा? हमेशा के लिए जब करेगा ना, जब तुम हमेशा करवाओगे, छह छह महीने में करवाने वाले हो। मैं छह महीने क्या, तुमने अभी करा होगा तीन महीने बाद। किसने? नहीं, लास्ट टाइम तुमने ब्लीच करी थी, फेशियल नहीं करा था। फेशियल तो दीदी और मैंने कर लिया था लास्ट टाइम, खत्म हो गया था। ऐसे कैसे आए ना बताए, अरे जल भर